सो वेलकम बैक टू गेमिंग एरर। तो यार आज की वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं स्काई स्पोर्ट्स के साथ। सो ड्यूरिंग द डे 3 ऑफ स्काई स्पोर्ट्स मैच 1 जीता था टीम आईडी ने, एंड इसी मैच के दौरान 8-bit अक्षु का नेटवर्क एरर हो गया था एंड इसकी वजह से वो अपना बेस्ट नहीं दे पाए। फर्दर मैच 2 जीता था टीम 8-bit ने, मैच 3 जीता था राइवलरी ई-स्पोर्ट्स ने, मैच 4 जीता था टीम आईडी ने, मैच 5 जीता था टीम 8-bit ने, एंड लास्ट मैच जीता था मार्कस गेमिंग ने। एंड ओवरऑल रैंकिंग ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो, जिसमें 8-bit वो फर्स्ट टीम है जिसने 200 पॉइंट्स का मार्क क्रॉस किया। एंड ऑन स्क्रीन सभी टीम्स की रैंकिंग भी आप देख सकते हो, जिसमें टॉप 5 पर है 8-bit, 7Seas, रेवेनेंट ई-स्पोर्ट्स, गॉडलाइक और मार्कस गेमिंग। एंड टॉप रैंकर्स ऑफ डे 3 भी लिस्टेड ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो, जो है अक्षत, वीरू, जोनाथन, ओमेगा और एकेओपी। सो इन पास्ट 3 डेज की परफॉर्मेंस को देख करके आपको क्या लगता है कि यार डे 4 में कौन सी टीम कंसिस्टेंट परफॉर्म करती रहेगी और कौन सी नहीं कर पाएगी? कमेंट सेक्शन में जरूर बताना अपने थॉट्स और अपने ओपिनियन को। खैर अब बात कर लेते हैं टीम आईडी के बारे में। तो आने वाले कुछ टाइम में हमें दो बड़ी ऑक्स की पार्टनरशिप देखने को मिलने वाली है, एंड इट्स आईडी एंड पीवी ई-स्पोर्ट्स। खैर अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारी अगली न्यूज है सलमान खान की तरफ से। तो गाइस ये कोई बॉलीवुड न्यूज नहीं है, इट्स रिलेटेड टू गेमिंग। एंड हुआ ये कि हाल ही में प्ले स्टोर पर हमें गेम देखने को मिला जिसका नाम था सलमान भाई। एंड पर्सनली यार मैंने ये गेम ट्राई नहीं किया, बट मालूम करने पर मुझे ये पता चला कि वैसे तो ये गेम मिनी गेम था, बट ये गेम सलमान भाई की ड्राइविंग से रिलेटेड था, जो रिलेट करता था हिट एंड रन केस को जो सलमान खान पर हुआ था। अब इसी के चलते सलमान खान ने इस गेम के अगेंस्ट केस कर दिया। एंड मंडे को मुंबई सिविल कोर्ट के जज के एम जायसवाल ने एक लेटर पास किया जिसमें इस गेम पर टेम्परेरी बैन लगाया जाएगा। एंड अब ये गेम सभी प्लेटफॉर्म से टेम्परेरी बैन हो गया है। अब बात कर लेते हैं फ्री फायर के बारे में। तो फ्री फायर इंडिया चैंपियनशिप में टॉप 18 टीम्स ऑन स्क्रीन आप देख सकते हो, बट अगर आप नोटिस करो तो टीम टीएसएम में टीएसएम एफटीएक्स नहीं लगा हुआ है। अब इसका रीजन ये है कि फ्री फायर के रूल्स बुकलेट में एक रूल साफ साफ लिखा है कि कोई भी किसी भी टीम का स्पॉन्सर का नाम एक्सेट्रा में या टीम से कुछ भी क्रिप्टो करेंसी से रिलेट नहीं होना चाहिए। एनएफटीएक्स वर्ड इसीलिए हटा दिया गया है। अब बात कर लेते हैं हस्तर के बारे में। तो आफ्टर हार्ड वर्क फॉर मंथ्स हस्तर ने अपने वन ऑफ बिगेस्ट टीम को अचीव कर लिया। एंड ऑन स्क्रीन आप वो मोमेंट देख ही पा रहे हो। अब बात कर लेते हैं सोल के बारे में। तो फर्स्टली मॉर्टल क्लैरिफाइज कि आज से वो स्काई स्पोर्ट्स के टूर्नामेंट में वापस देखने को मिलेंगे टीम सोल से खेलते हुए। एंड उन्होंने डाउट्स क्लियर करे रिगार्डिंग अमन, एंड ये कहा कि वो अमन का ट्रायल मैच था लाइनअप के लिए। एंड अमन ने भी क्लैरिफाई किया कि वो चेमिन ई-स्पोर्ट्स का ही पार्ट है एंड उनकी ही परमिशन से बस स्काई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट खेल रहे हैं सोल के लिए। टॉकिंग फर्दर मॉर्टल क्लैरिफाइज कि अभी बीच मैच टूर्नामेंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एंड सोल की लाइनअप अभी फिक्स नहीं है कि प्लेइंग 4 कौन होंगे। अब बात कर लेते हैं क्रॉन्टन के बारे में। तो क्रॉन्टन ने रिसेंटली बात करी रिगार्डिंग फेयरवेल ऑफ वैलोरेंट रोस्टर। एनी बताया कि काफी चेंजेस ऑफ परफॉर्मेंस वेरिएशन की वजह से वो 1-2 महीने का ब्रेक लेंगे वैलोरेंट लाइनअप से, एंड उसके बाद वो एक स्ट्रॉन्ग लाइनअप के साथ कमबैक करेंगे। एंड मीनवाइल डेथ मेकर ज्वाइन कर चुके हैं वेलोसिटी गेमिंग को। ऑल्सो क्रॉन्टन ने ये कहा कि वो बूटकैंप के रिगार्डिंग आगे कोई भी लीक नहीं देंगे, बिकॉज उनका ड्रीम है कि गॉडलाइक का बूटकैंप पूरे एशिया का नंबर 1 बूटकैंप बने एंड उस पर वर्क कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं स्काउट के बारे में। तो रिसेंटली स्काउट ने ई-स्पोर्ट्स के बारे में बात करी कि उनकी लाइफ में ई-स्पोर्ट्स की कितनी वैल्यू है। एंड ही सेड कि काफी लोगों को लगता है कि उनकी पूरी जिंदगी ई-स्पोर्ट्स है, बट ई-स्पोर्ट्स बस उनकी जिंदगी का एक पार्ट है, जो कभी हट भी गया तो ऐसा नहीं होगा कि अब कुछ नहीं बचा। एंड रिगार्डिंग ई-स्पोर्ट्स फर्दर वो ये कहते हैं कि वो ई-स्पोर्ट्स बस शौक के लिए करते हैं एंड शौक पूरा होते ही वो नहीं करेंगे। अब बात कर लेते हैं जोनाथन के बारे में। तो रिसेंटली जोनाथन से कुछ रैंडम टीममेट्स डिमांड करते हैं मॉर्टल और स्काउट के साथ खेलने के लिए। एंड जोनाथन ये कहते हैं कि आगे जरूर खेलेंगे, अभी के टाइम पर स्क्रिम्स टूर्नामेंट और ग्राइंड के बीच टाइमिंग ऐसी सेट नहीं हो पाती कि सब एक साथ फ्री हो। अब बात कर लेते हैं हाइड्रा डेंजर के बारे में। तो हाइड्रा डेंजर के टीडीएम स्किल्स तो आपने नोटिस किए ही होंगे, अ गॉड लेवल प्लेयर। एंड इसी पर स्काउट रिस्पॉन्ड करते कि अगर डेंजर के कॉम्पिटिशन में आज की डेट में वो बात करें तो जोनाथन, मावी और पंक है। अब बात कर लेते हैं सिड के बारे में। तो रिसेंटली सिड बिसाइड बींग अ सेवेज गाय वो घातक के बारे में बात करते हैं। जब उनसे ये पूछा जाता है कि एक ई-स्पोर्ट्स प्लेयर जब एक एज पर पहुंच जाता है तो वो क्या करता है, एंड सिड रिस्पॉन्ड कि वो कोच बन जाता है। एंड एग्जांपल देते हैं घातक का, एनी सेस कि घातक जब आईजीएल था तो वन ऑफ द बेस्ट आईजीएल था, एंड दिस इज आई वो आज एक सक्सेसफुल कोच है जो हर कोई अब नहीं बन सकता। अब बात कर लेते हैं थक के बारे में। तो सोल की परफॉर्मेंस के बारे में थक ने डीपली बात करी, एंड ही रिस्पॉन्ड कि डे 1 में लक था कि डे 2 ट्रैश था और डे 3 इवन वर्स्ट। एंड अभी इट्स नॉट कि उनके प्लेयर्स एफर्ट्स नहीं लगा रहे, वो बस सिंक नहीं कर पा रहे। एंड आगे वो ये भी कहते हैं कि इट्स आइदर नाउ और नेवर फॉर सोल, एंड उनको भरोसा है कि प्लेयर से कमबैक कर पाएंगे और कोई भी टीम से अलग नहीं है, ना ही कोई प्लेयर कहीं लीव करके जा रहा है। अब बात कर लेते हैं एशियन गेम्स के बारे में। सो एशियन गेम्स में फॉर द फर्स्ट टाइम ई-स्पोर्ट्स फीचर होगा मेडल्स के लिए। एंड गेम्स की बात करें तो एरिना ऑफ वैलर, डोटा 2, पबजी मोबाइल, ड्रीम 3 किंगडम्स, ये स्पोर्ट्स फीफा, हर्थस्टोन्स, लीग ऑफ लेजेंड्स और स्ट्रीट फाइटर आपको देखने को मिलेंगे। अब यार सोचने वाली बात है कि इंडिया इसमें पार्टिसिपेट करेगा या नहीं करेगा, वो एक देखने वाली बात होगी। तो बस यार आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं भी चलता हूं और मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में। साइनिंग ऑफ।